हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा। और आइए आज उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा मिथ अभी तक पेट्स, डॉग्स और कैट्स के बारे में फैले हुए हैं। टॉपिक है नसबंदी, स्पेइंग एंड कैस्ट्रेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग। ये क्यों ज़रूरी है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जितना ज़रूरी वैक्सीनेशन है, जितना ज़रूरी उनकी डिवॉर्मिंग है, जितना ज़रूरी उनको अच्छा खाना खिलाना है, सेहत का ध्यान रखना है, उतना ही ज़रूरी है कि आप उनकी सेक्सुअल हेल्थ और कैस्ट्रेशन और स्पेइंग के बारे में अच्छे से समझ लें। सारे मिथ्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, किस एज में करानी है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने, कहाँ करानी, कैसे करानी, मैं सब आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आखिरी तक देखिए जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। तो पहले तो समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। भाई, अगर आप एक डॉग को घर लेके आते हैं तो आपने उसको अपने घर का सदस्य बना लिया है। वो आपके घर की हर एक चीज़ यूज़ करता है, वो खाना भी आपके साथ खाता है, वो सोता भी आपके साथ है, हर एक चीज़ जो है वो आपके साथ करना चाहता है और वो आपसे फेमिलियर भी बहुत है। ठीक है, ये बात हो गई जब वो इनिशियल स्टेज में है। लेकिन जब वो ग्रो करता है तो वो फिजिकली तो ग्रो करता ही करता है, इम्यूनोलॉजिकली भी ग्रो करता है, हॉर्मोन वाइज भी ग्रो करता है। तो जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो सेक्शुअल हॉर्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से वो अर्ज आती है, वो भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं। और जब वो ग्रो करते हैं तो हॉर्मोन डोमिनेंसी नाम का एक कंसेप्ट यूज़ होता है। इसका ये मतलब होता है कि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हर चीज़ पे अपना दबाव डालते हैं। हर चीज़ का मतलब एक एक ऑर्गन पे हॉर्मोन का इन्फ्लुएंस होता है, उनकी गट हेल्थ से लेके तो डाइजेस्टिव हेल्थ तक, पेट की हेल्थ तक, हर हेल्थ पे उसका एक इन्फ्लुएंस होता है। जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि 5-6 महीने के बाद जो डॉग होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो या कैट हो, उसकी एक्टिविटी एकदम से बहुत तेज हो जाती है, बहुत दम से बढ़ जाती है। वो बाहर भागने की कोशिश करता है, वो अनोइंग एक्टिविटीज़ करने लगता है, और एक सबसे टिपिकल साइन जो होता है, खाना बिल्कुल बंद कर देता है। नो उल्टी, नो लूज मोशन, और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन खाना जीरो हो जाता है। ये टिपिकल साइन है कि आपका डॉग या कैट जो भी है वो सेक्सुअली मेच्योरिटी की तरफ जा चुका है और अब आपको वो स्टेप्स लेने हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अगर आप उसको ब्रीडिंग पर्पज से लाए हैं या आप उसकी ब्रीडिंग करा सकते हैं तो वेल एंड गुड, फिर आप स्पेइंग के बारे में उतना जल्दी नहीं भी सोचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ घर के पर्पज से लेके आए तो ये बहुत बड़ा डिसीजन बन जाता है कि आपको स्पेइंग कब करानी है। तो मैं आपको बताता हूँ, स्पेइंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर वो आप अच्छे से समझ लेते हो डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहला, एज। नॉर्मली एक जो एडल्ट डॉग होता है 6 से 7 महीने का फीमेल, उसका 6 से 7 महीने में आप स्पेइंग करा सकते हैं, आराम से करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एज ही मायने नहीं रखती, उसका बॉडी वेट भी मायने रखता है। ठीक है, अब बॉडी वेट एटलीस्ट 10 से 12 किलो हो, ये नॉर्मल ब्रीडिंग डॉग्स एंड स्ट्रीट डॉग की बात की जा रही है। भाई, सिट्ज़ू हुआ, लासा हुआ, ये तो बहुत छोटे होते हैं, इनमें ये फैक्टर काम नहीं करेगा, उनमें एज वाला फैक्टर काम करेगा। तो क्लियर क्लियर अगर हम बात करें तो 6 महीने से ऊपर की फीमेल का आप स्पेइंग आराम से करवा सकते हो। जब उसकी पहली हिट आने वाली होती है उससे पहले करवा लें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो उस स्ट्रेस से बच जाएगी, जो वो हीट फील करने वाली है जिसकी वजह से उसमें हॉर्मोनल इम्बैलेंस होने वाला है, वो सब कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो 6 महीने की एज, 6 से 7 महीने के बीच का एक बहुत अच्छा टाइम होता है जिसमें फीमेल डॉग का आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। इसके बाद मेल का थोड़े रुक के करवाते हैं, क्योंकि कभी कभी टेस्टिकल्स 6 महीने तक ग्रो नहीं होते, तो आप 7 से 8 या 9 महीने तक उसका ऑपरेशन आराम से करवा सकते हैं। ऑपरेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, इतनी बड़ी कोई प्रोसेस नहीं होती। मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत रेगुलरली हम लोग कर रहे हैं, 70 से 80 ऑपरेशन हम लोग अभी तक कर चुके हैं जिसमें 1% कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे हाइजीन से, अच्छे सेटअप में और अच्छे डॉक्टर से करवाने से आपको रिजल्ट और अच्छे मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कब करवाना है, कैसे करवाना है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, अगर आप इस ऑपरेशन को टाइम से करवा लेते हैं तो एक बात मानिए, हॉर्मोन की जितनी भी बीमारियां होती सब खत्म हो जाएगी। सबसे पहला, जो हॉर्मोन होते हैं लाइक जो फीमेल हॉर्मोन होते हैं FSH और LH, LH जो हॉर्मोन होता है ये नॉर्मली जो इन्फेक्शन कॉज करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है बॉडी के अंदर। तो जब आप ओवरीज और यूटेरस निकलवा ही चुके हैं तो ओवरीज का कैंसर और यूटेरस के कैंसर के सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं। भाई, ये एल्डर एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। 5 साल तक डॉग को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो यंग रहेगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होनेगी तो ये बड़ी समस्याएं बनती जाएंगी, और उसके बाद फिर कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से बहुत ज़्यादा डरेगा। तो सबसे अच्छा काम यही है कि आप टाइम रहते करवा लें। भाई, यूटेराइन कैंसर हुआ, ओवरीज का कैंसर हुआ, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, स्टोन्स की प्रॉब्लम हुई है, ममरी ट्यूमर हुआ, एंजाइटी हुई है, स्ट्रेस हुई है, टाइम पे खाना ना खाना हुआ है, गट हेल्थ हुआ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, इन सब से उसको निजात मिल जाएगा अगर टाइम से आपने करवा लिया तो।
और जो सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलने वाला वो ये, आपके पेट की जो लाइफ है वो 1 से 1.5 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि इन सब हॉर्मोन्स की वजह से जो होने वाला बॉडी मेटाबॉलिज्म वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी गट हेल्थ बढ़ेगी और उसकी वजह से उसका जो लाइफ स्पान है वो 1 से 1.5 साल बन जाएगा। सेम जो फिनोमिना है वो इस पे अप्लाई किए जाते हैं मेल पे। टेस्टिक्स निकाल दिए गए हैं तो भाई टेस्टिकुलर कैंसर होना बंद हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, एंजाइटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक लीक पोडो डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, अचानक स्किन इन्फेक्शन हो जाना, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना, ये सब रिड्यूस हो जाएंगे। और ये ब्रीडिंग डॉग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखिए। इसके बाद जो मेल में सबसे अच्छा फायदा आप लोग देखेंगे वो ये होगा, उसका बिहेवियर बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब वो अननेसेसरीली किसी को बाइट नहीं करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, सारी प्रॉब्लम अपने आप शॉर्ट आउट होती जाएंगी। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। घर में लाना पैट रखना बहुत अच्छी बात है, अब उनकी उम्मीदों को भी आपको पूरी करनी है, आपको उनकी सारी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़े मायने रखती हैं आगे भी और अभी भी। इसके बाद मेल फीमेल ये हो गई डॉग्स की बात, केट्स में भी सारे फिनोमेना सेम फॉलो होंगे। केट का ऑपरेशन आप थोड़ी जल्दी कर सकते हो, चाहो तो 5 महीने या 6 महीने की एज पे, क्योंकि वो जल्दी सेक्सुअली मेच्योर हो जाती है। कैट्स में फीमेल कैट्स तबाही मचा देती है, बहुत ज़्यादा उत्पात मचा देती है, घर से बाहर भागना, खाना छोड़ देना, उल्टियाँ करना और बहुत ज़्यादा चिल्लाना, ग्राउंड पे रोल करना, ये सारे साइन वही होते हैं जब वो सेक्सुअली मेच्योर हो गई है और नाउ शी वॉन्ट्स ब्रीड, और या फिर उसका ऑपरेशन करा लिया जाए। ऑपरेशन करने के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, उसका सबसे बड़ा जो कैट्स में फायदा ये देखा जाता है कि जो अनोइंग बिहेवियर्स होते हैं, रात में चिल्लाना, ठीक है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, हर कभी अटैक कर देना, सब सॉल्व हो जाएंगे। ये नॉर्मली एंजाइटिक प्रॉब्लम है जो हॉर्मोन्स की वजह से होती है। इंसानों में भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन इंसानों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के, लेकिन डॉग्स में उतने ज़्यादा तरीके नहीं होते। सो डियर, मुझे लगता है इन सब चीज़ों को समझने के बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कब ऑपरेशन करवाना है, किस स्टेज में करवाना है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, डरिए मत, करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल छोटी सी एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू आप ये आराम से करवा सकते हो और फायदे ही फायदे। इसको करवाने के बारे में जरूर सोचिएगा, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैंने छोटी सी चीज़ों में कवर करके आपको बताया। कोई भी डाउट अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपको है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हमारा क्लिनिक भोपाल में, तो अगर आप भोपाल के आसपास रहते हो तो हमारे पास ऑपरेशन की फुल फ्लेज्ड फैसिलिटीज़ भी है, अकॉर्डिंग विथ OT ऑपरेशन थिएटर विथ अलॉन्ग विथ ऑल द सर्जन्स एक्सपर्टीज, तो ये हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप 2 दिन पहले चेकअप करवा के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमारे साथ सर्जरी में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, हम पूरी गारंटी के साथ सर्जरी करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी करिए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिए अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, और इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच।